क्या हाल है? मैं हूँ नईम और आप देख रहे हैं नईम NS स्टूडियो वन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने मोबाइल का इंटरनेट डाटा सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बाज़ का ऐसा होता है कि हम अपना मोबाइल अपने फ्रेंड्स या अपने घर में रख देते हैं और आपके जो बच्चे होते हैं घर के, वो आपका इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और आपका इंटरनेट डाटा ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे मोबाइल का अभी इंटरनेट डाटा ऑन है। जी, तो देखा आपने कि मेरे मोबाइल का इंटरनेट डाटा भी ऑन है। तो मैं अब आपको बताऊंगा कैसे हम अपने मोबाइल का डाटा सेफ कर सकते हैं, ताकि ऐसी हम सेटिंग करें ताकि हमारा इंटरनेट का डाटा ऑन भी होगा और इंटरनेट तब भी नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या सेटिंग है, तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, आप ये देखें प्ले स्टोर, यहाँ से हमने इंटरनेट देखा। फ्रेंड्स, ये देखें मेरे मोबाइल का डाटा ऑन है। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें मेरे मोबाइल का इंटरनेट डाटा ऑन है। ये देखें सब वीडियो चल रही हैं, इंटरनेट ऑन है। ठीक है, ये देखें, अब मैंने देखा कि इंटरनेट ऑन है। अब मैं सेटिंग करता हूँ और आप देखें कैसे हम अपना इंटरनेट सेफ कर सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं सेटिंग। सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे। अब इसके लिए आपको ने कोई ऐप इस्तेमाल नहीं करना, कुछ भी नहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा और ये आपके मोबाइल सेटिंग की ही वजह से सब सेटिंग हो जाएगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, डुअल सिम मोबाइल नेटवर्क में जाना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर चल जाना है। ये मेरे पास ओप्पो A1 के मोबाइल है, और आपके पास अगर जो भी मोबाइल होगा, आपने नेटवर्क कनेक्शन में चल जाना है और वहाँ से आपको ये सेटिंग मिलेगी। आपने अगर आप मोबाइल ओप्पो का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ये सेटिंग है। तो अब मेरा नेट SIM 1 में चल रहा है, तो इसके लिए मैं SIM 1 पे प्रेस करूँगा। ये देखें, अब यहाँ पे मैंने जो एक्सेस पॉइंट है उसके ऊपर जाना है, क्लिक करना है। ये देखें, यहाँ पे मेरा जैज़ इंटरनेट कनेक्शन वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस जगह पे आपने जाके यहाँ पे जो निशान है यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो इंटरनेट का APN नंबर होता है वो आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। ये नीचे देखें, यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया। अब देखें मेरा मोबाइल का इंटरनेट, जी ये देखें मैं अपना मोबाइल का इंटरनेट डेटा ऑन करता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ कि फेसबुक या यूट्यूब वगैरह कोई चलती है वीडियो या नहीं। एक गाड़ी नवाब भावलपुर के पास है। ये देखें फ्रेंड्स, अब इंटरनेट हमारा बंद हो चुका है। ये देखें ऊपर से भी इंटरनेट ऑन है और यहाँ पर नेट भी वर्क नहीं कर रहा। इसी तरह यहाँ से यूट्यूब वगैरह भी नहीं चलेगी। ये देखें, कोई भी ऐप या प्ले सेटिंग, कुछ भी वीडियो वगैरह या इंटरनेट से कुछ भी प्ले नहीं हो सकेगा। ये देखें, अब आपने क्या करना है, जब आपने ये सेटिंग कर लेनी, उसके बाद अब इसको ऑन कैसे करना वो भी बहुत इजी है। उसके लिए मैं आपको अभी बताता हूँ क्या करना है हमने। फिर हम बैक पे जाएंगे, बैक पे हम उसी सेटिंग में दोबारा जाएंगे। फिर हमने सेटिंग ओपन कर ली। सेटिंग ओपन करने के बाद अब हमने डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करना है।
जी यहाँ पे आ गए। इसी तरह फिर जिस सिम में आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, सिम वन है या टू है, जिस पे भी आप इस्तेमाल करें सिम पे, उसके आपने सिम टू क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक्सेस पॉइंट पे जाके रीसेट कर देना है। जी देखें वही दोबारा आपकी सेटिंग दोबारा वापस आ चुकी है मोबाइल में। अब हम अपना इंटरनेट चेक करते हैं कि चल रहा है कि नहीं। ये देखें अब इंटरनेट वर्क करना शुरू हो चुका है। ये देखें हमारा इंटरनेट अभी ऑन है। जी ये देखें, और इसी तरह YouTube भी नहीं चल रही थी, वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखें अब यहाँ पे YouTube भी चल रही है। ये देखें तो फ्रेंड्स, ये एक छोटे सी ट्रिक थी जिससे आप अपना मोबाइल का इंटरनेट डाटा सेफ रख सकते हैं, ताकि आपका मोबाइल कोई भी लेके आपका इंटरनेट ज़ाया ना करे। तो इसलिए प्लीज़ आप ये सेटिंग रखें अपने मोबाइल की। और प्लीज़ फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। और मैं इस ठीक हो गया ओके, और नईम को इजाज़त दें। तो ठीक है, आप मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करना मत भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।